बस एक छोटा मगरमच्छ है। फिलहाल पहुंच गए हैं रेणुका और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी और अभी अंदर चलकर देखते हैं कैसा क्या सीन है। मैं तो खुद पहली बार आया हूँ यहाँ पर और बाकी भाई भी पहली बार आया है। ये अपना दीपक पवार पवार नहीं है अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा क्या सीन है। भाई साहब पानी दिखाओ, पानी पानी ये यहाँ पर पानी है, यहाँ बोटिंग पॉइंट है, ये यहाँ पर बोट वगैरह है। ये बोट में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ और ये पूरा यहाँ से पानी, ये रेणुका झील है जिसके अंदर ये बोटिंग करवाते हैं। तो अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या सीन है। हिमाचल की गाय की सिर्फ इतनी हाइट है। एक भी नहीं आ रही, उस साइड तो बहुत सारी मछलियां हैं पर यहाँ अभी एक भी नहीं आ रही है। इनको ये डाल रहे हैं खाने के लिए फिर भी नहीं आ रही है। वो उस साइड तो घूम रही है, देखो ये घूम रही है मछलियां यहाँ पर और यहाँ पर एक भी नहीं आ रही है। ये मछली को दाना डालने पर मछली इनके जाल में फंस नहीं रही है। मछली तो नहीं पर ये हमारे पास एक छोटा मगरमच्छ है। ये मछली का वेट कर रहे हैं पर इनके बुलाने पे मछली नहीं आ रही। तो भाई यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले रहे हैं, खेल दिखा दे, मदारी बनने वाले हैं। तो भाई ये यहाँ का मार्केट है, कुछ इस पार से दुकानें लगाई हुई हैं और ये एक मछली देखो ये तैर रही है यहाँ पर, दो तीन मछली हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो भी बता रहे हैं अभी उसके अंदर चलते हैं, वहाँ जाकर के देखते हैं उसके अंदर कौन से जानवर हैं। और दो जानवर ये रहे, इनको उन पिंजरों में डाल देंगे। ये जू का पोस्टर लगा रखा है और यहाँ से है 2 किलोमीटर दिखा रहा है, मिनी जू यानी कि छोटा ही जंगल है। और यहाँ पर दिखा तो रखे हैं ये जानवर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, देखते हैं इसके अंदर चलते हैं पहले तो। बिल्ली जरूर मिलेगी, वो आ जाए। तो भाई ये रास्ता बंद कर रखा है और यहाँ से रास्ता ओपन कर रखा है, यहाँ पर लिख रखा है रास्ता, तो इस मक्खी के अंदर से गुजरना पड़ेगा। इसके अंदर घुसा दिए। ये देखो पेड़, ऐसे लग रहा है अंदर से सब कुछ निकाल लिया इसे और बार बार का छोड़ रखा है किस चीज का ये गया भी था पेड़। ये इसके अंदर मुर्गी है, इनके तो कलर ही बहुत है मोर की तरह। 3-4 कलर में है। हाँ और देखते हैं आगे चल के, हमें यहाँ से निकलना है 2.5 किलोमीटर वो भी पैदल, क्योंकि जो ये झील आप लोगों को दिख रही है इसके बाहर के हमें घूम करके आना है, तब जाके हम इससे बाहर निकलेंगे। और इतने में ये जंगल है, इसमें हमें ये भी नहीं पता कौन कौन से जानवर है, जो भी आते हैं वो हम लोग देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी देखते जाते हैं कौन से जानवर हैं, अभी तो 2-3 ही देखे हमने। यहाँ पर हैं काफ़ी सारे बंदर, हिमाचल में बंदर बहुत है। भाई साहब ये ऐसी नज़र से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मेरे से कैमरा छीन के व्लॉग बनाएंगे। तब यहाँ पर और जानवर तो मुझे पता नहीं पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, पूरे रास्ते में बैठे हैं। और ये देखो ये कैसे चल के आ रहा है, बच्चे डर रहे हैं इसे।
दो ये बैठे हैं यहाँ पर, इनके पास से निकल से निकल रहे हैं, तो देखो कैसे दांत निकाल रहे हैं। भाई वो वहाँ पर हिरण है, आगे शायद उनके पास जाने का रास्ता नहीं। ये हिरण है वहाँ पर जो आप लोगों को वहाँ से दिखाई दे रही है, देखो घूम लिया। और अभी यहाँ पर है भालू और वो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है। ये जा रहे हैं पहले से ही, देखते हैं भालू है क्या, बोल तो रहे हैं है भालू। मैंने इससे पहले दिल्ली में देखा था जू में भालू, उसके बाद आज पहली बार देखूंगा, उसके बाद देखूंगा मतलब आज पहली बार। ये है भालू दीवार के पास में बैठे बिल्कुल दुबक के जैसे, इनको ठंड लग रही है। ले मिनी जू में सिर्फ यही थे, और ये है यहाँ पर मतलब झील है, तो पूरा पानी पानी है यहाँ पर। दोस्तों अभी चलते हैं घर पर, मतलब हमारे घर नहीं जहाँ पर हम रुके हुए हैं, राकेश के ससुराल, वहाँ चलते हैं वापस। और रात का स्टे आज वहीं है, और उसके बाद चलेंगे सुबह, या तो सुबह चलेंगे वरना रात को निकल जाएंगे अपने घर के लिए, तो वो व्लॉग भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठंड इतनी ज्यादा हो गई है भाई, कोट वगैरह लेकर नहीं, वो गाड़ी में है, ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पर पानी पानी है, इसलिए बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर। तो अभी जल्दी से चलते हैं और गाड़ी के अंदर और कोट पहनते हैं, यहाँ पर वैसे भी हिमाचल में बहुत ज्यादा ठंड है। तो ये यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, और इसे बोलते हैं दूध या पानी, इसके ऊपर लिखा हुआ है। हम लोग आ गए हैं बाहर की तरफ, और ये है यहाँ का बाहर का व्यू पूरा, ये है रेणुका जी, और यहाँ से मैं आप लोगों को मंदिर भी दिखा देता हूँ। ये मंदिर है, ये वो झील है, इस झील के बाहर तक राउंड लगा कर रहे हैं, और इस साइड से आए हैं, मतलब एक साइड तो जाने का है दूसरी तरफ आने का, इस तरह से सिस्टम है यहाँ पर। यह काफी दूर तक है, ये श्री रेणुका जी का पूरा व्यू इस प्रकार से दिखाई देता है, पोस्टर पे लगवा रखा है जैसा ये व्यू है। तो वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी है, और अभी चलते हैं घर पर, दोस्तों ठंड भी बहुत ज्यादा हुई है, और आज का यह व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।